हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं खेसारी लाल के तरह किस तरीके से मैं सॉन्ग को मिक्स करता हूँ। म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं इसी को बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूं ताकि आप कंप्लीट रूप से समझ पाए कि किस तरीके से बन पाएगा ये। चलिए सॉन्ग को मैं प्ले करता हूं। लौट जाए मर जाए इनका खातिर लड़ जाए ठीक है, लौट जाए मर जाए इनका खातिर लड़ जाए कोट मार रेज खातिर जान से भी और जाए ठीक है। तो आई थिंक ये सॉन्ग जो है लगभग खेसारी लाल यादव की तरफ मिलता जुलता है। तो इसी को हम समझेंगे किस तरीके से इसमें कौन सी प्लेइंग्स डाला जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है और एंड सब कुछ इसकी डिटेल से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम निंटेंडो 4 को ओपन करते हैं। और अगर आपको बेसिक का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जैसे कि निंटेंडो 4 को चलाना मतलब यूज़ करना, टेम्पो BPM क्या होता है, ऑटोटून क्या होता है, स्केल क्या होता है, तो इन सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से सारे बेसिक वीडियोस को देखकर आप आसानी तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको, अभी हमारा नॉर्मल है, अभी कोई भी इफेक्ट कोई भी प्लगइन इसके अंदर नहीं डाला गया है। नॉर्मल आप सुन लो अब ये कैसा लग रहा है। अभी तो मैंने आपको मिक्स वाला सुनाया था, अभी ये नॉर्मल भी सुन लो आप। तो ये हमारा जो है पूरा नॉर्मल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको वर्चुअल डीजे के अंदर देखना है, यहाँ पर 100 दिखा रहा है BPM जो टेम्पो जिसको बोलते हैं, और सी शार्प माइनर दिखा रहा है स्केल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को एक बार क्या करेंगे, बाउंस नहीं करेंगे, अभी सही रहेगा इसी में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे मैं ये जो करूँगा। तो ये देखो, जैसे कि इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर स्केल डालता हूँ, ऑटो ट्यून का 8 लगाता हूँ और सी शार्प माइनर था ना स्केल, तो डी बी करके डी फ्लैट और सी शार्प माइनर और यहाँ से 0 रिटर्न स्पीड। तो इस तरीके से ये हमारा स्केल फिट हो चुका है। अभी देखते हैं स्केल काम कर रहा है या नहीं। कट जाए मर जाए इनका खातिर लड़ जाए ठीक है, कट जाए मर जाए इनका खातिर लड़ जाए कोट मार रेज खातिर जज से भी और जाए। स्केल काम कर रहा है बट थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था बीच में, तो इसको हम रिटर्न स्पीड को 2 कर लेते हैं, देखते हैं रिटर्न स्पीड 2 करके। कट जाए मर जाए इनका खातिर लड़ जाए ठीक है। तो अभी इसका ऑटो ट्यून काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और हमारा स्केल भी काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर हम इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इफेक्ट अप्लाई करने से पहले हम इसको ट्रैक के साथ EQ कर लेंगे, इक्वलाइजर सेटिंग्स। तो हम सबसे पहले ट्रैक के साथ इसको करेंगे, चलिए करते हैं और मैं फिर आपको बताता हूँ क्या क्या हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से EQ करोगे इस सॉन्ग का तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आया मैं क्या क्या हूँ, यहाँ पे मैं कर्सर चला रहा था माउस का, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप इस पर डबल क्लिक करके इसका परसेंट -24 करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना सब कुछ और इसकी परसेंटेज इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना अगर ऐसा सॉन्ग रिकॉर्ड होगा तो, ठीक है। अभी इसके अंदर जो डिले हमारा लगेगा वो मोनो डिले लगेगा, तो मोनो डिले हम सबसे पहले डालेंगे और डबल डिले डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डबल डिले डालते हैं और डबल डिले इसलिए डालते हैं ताकि ये ज़्यादा डिले वर्क कर सके, ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिले चाहिए तभी ऐसा बन पाएगा, देखते हैं। क्योंकि वो मोड डिले में वैसा सेटिंग्स नहीं रहता है और ना ही स्टीरियो डिले में और ना ही पिंग पॉन्ग डिले में, मोनो डिले और मोड मशीन सॉरी डबल डिले और मोड मशीन में ऐसा फीचर्स है कि ज्यादा डिले वर्क करता है। अभी देखते हैं करके। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि कितना ज्यादा डिले वर्क करता है। देखो इसको प्ले करता हूँ, अभी सबसे पहले मैं डिले को ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट देखो। अभी कट जाए मर जाए इनका खातिर लड़ जाए, देखो कितना भी ज्यादा डिले वर्क कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इको टाइप का आ रहा है। तो इसको 10% कर लेंगे, कट जाए मर जाए इनका खातिर लड़ जाए ठीक है। काम कर रहा है बट इसको हम क्या करेंगे,
कम करके देखते हैं और भी कम होगा, कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए लौट जाए लौट जाए। 5% भी नहीं काम कर रहा, 8% भी नहीं काम कर रहा, 5 कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए, कोर्ट मार रेज खाते जज। ठीक है, तो डबल डिले हमारा यहां पे लगेगा 5%। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मोड मशीन, और मोड मशीन इसके अंदर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो है। ठीक है, तो ये मोड मशीन मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा, और मोड मशीन अप्लाई करने के बाद इसमें डांस वाला डांस वोकल है ये, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ इसको करके। कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। तो डिले भी काफी ज्यादा वर्क कर रहा है, बट मोड मशीन का डिले काफी ज्यादा वर्क कर लेंगे, इसको 30% कर लेते हैं। एक मिनट, कट जाए मर जाए सही है, बट यहाँ पे 1/8 कर लेते हैं डिले के अंदर में, और देखते हैं। कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। अभी भी ज्यादा वर्क कर रहा है, 20%। कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, तो सही है, अभी हमारा डिले जो है, जो जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें ज्यादा डिले वर्क करेगा। तो देख सकते हो बहुत ही ज्यादा डिले लगा दिया है मैंने, और डिले काफी अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे CLA का 3A स्टीरियो, और CLA 3A स्टीरियो डालने के बाद नॉर्मल आपको करना क्या है, इसका लिमिटर ऑन करना है और इसको फुल रिसेट पे डालना है। ठीक है, फुल रिसेट पे फिर से ये हो गया, फिर से इसे लिमिटर को ऑन कर लेना है और 60 GHz पे अलॉन्ग को फिट करना है इस तरीके से। यहाँ टिक करने के बाद हो जाएगा, इसे कट करना है, और एक और इफेक्ट लगाना है इसके अंदर, DVX का स्टीरियो राइट रहेगा, DVX का स्टीरियो इसके लिए, और लीड वोकल ओवर कंप्रेस, थोड़ी सी नॉइज दे रहा है आप देख सकते हो। अभी हम DVX को बंद करेंगे, जब सॉन्ग को कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको हम लगा देंगे। FX डालेंगे, FX के अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे सबसे पहले रिवर्ब से रूमवर्क्स SE, और इसके बाद एक और लगाएंगे पिंग पोंग डिले जो हम FX में लगा रहे हैं। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे FX के अंदर लगा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, और एक यहाँ पे रिवर्ब A भी डाल लेते हैं, ताकि थोड़ा अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो रिवर्ब के अंदर से इधर से ए डाला, ए इस तरीके से आ चुका है, और तीनों का आउटपुट हम ले लेते हैं इसके अंदर। एक मिनट, तीनों का आउटपुट रूमवर्क्स का, और रूमवर्क्स को हम प्ले करके लेंगे। ठीक है, देखते हैं। कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, कट जाए मर जाए कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, उसके बाद रिवर्ब ए लेंगे और इसको 13%। कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। अभी देखते हैं DVX ऑन करके। कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, कट जाए मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए। एक प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा जो है सॉन्ग्स के अंदर अंदर एयरफोन्स की आवाज आ चुका है, उसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। अभी देखते हैं। कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। कट जाए कट जाए कट जाए कट जाए कट जाए कट जाए कट जाए। तो अभी ये सही है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम ट्रैक को यहाँ से ऑन कर दिए है, देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे ट्रैक को ऑन कर दिया है, और अगर ट्रैक ऑन हो गया है तो हम क्या करेंगे, ट्रैक को माइनस में 2% डाल लेते हैं, एक सेकंड के लिए 3% डाल लेते हैं, और वोकल्स को हम डाल लेते हैं माइनस में 2% नहीं 1% ही डालेंगे। ठीक है, और सेम प्रीसेट को सेव करेंगे, इसी सेम प्रीसेट को सेव करेंगे, स्टार प्रीसेट और ए लिख के सेव यहाँ पे कर लेते हैं। एक के बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको ए को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ चुका है। और EQ हम थोड़ा सा इनको EQ को ऊपर कर लेंगे इस तरीके से, एक EQ एक ऊपर करने के बाद थोड़ा सा हम इनको ऊपर वाले में भी, जो हमारा एक थोड़ा सा है, उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पे ठीक है, तो ये दोनों में काम करेगा, अभी दो यहाँ पे मोनो का जो बना हुआ है दोनों में काम करेगा, दोनों ट्रैक में। तो अभी हम ट्रैक के साथ इनको सुनते हैं, चलिए देखते हैं। कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए। ठीक है, कट जाए मर जाए इनका खाते लौट जाए, कोर्ट मार रेज खाते जान से भी और जाए। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और जैसा मैंने सुनाया था वैसा बन पाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय सिलेक्ट कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।
म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूब और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।